राजस्थान वाला रामरस के वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हमारे साथ में जो पुलिस ऑफिसर है, हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से पुलिस की ड्यूटी में क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कितनी कड़ी मेहनत के बाद जनता की सेवा की जाती है। मेरा नाम है राम कुमार जी, कॉन्स्टेबल 6199 जी। मैं राजस्थान पुलिस जयपुर सिटी से आयुक्तालय से कॉन्स्टेबल हूँ और 97 से मैं कार्यरत हूँ। जो ड्यूटी करते हैं, दिन भर अभी इतनी तेज धूप है, ड्यूटी दो शिफ्ट में ड्यूटियां चलती हैं। हम सेकंड शिफ्ट में हैं, टाइम से हम जैसे ड्यूटी आते हैं, उसके बाद हम ट्रैफिक को रेगुलेशन, चाहे धूप हो चाहे ठंड हो चाहे कैसा भी मौसम हो, उसमें हम बारिश का मौसम हो कैसा भी मौसम हो, हम 20 खड़े होके चौराहे पे और ट्रैफिक को रेगुलेशन कराते हैं। जन सहयोग हमारे से जो होता है वो हम पूरा प्रॉपर करते हैं। इसमें धूप में खड़े होके जो जन सहयोग कर रहे हैं, हमारी ड्यूटी निभा रहे हैं, इस बीच कई लोग ऐसे भी हैं जो हमारा भी ख्याल रखते हैं। अब जैसे आज 15 दिन हो गए लगभग हमारे को ऐसी धूप में, जैसे तापमान ज़्यादा है उसमें कई लोग हमारे लिए ठंडा वगैरह लेके आते हैं, कोई छाछ लेके आता है, लस्सी लेके आता है हमारे लिए। कई जन सहयोग हम कर रहे हैं, वैसे हमारे लिए खूब लोग करते हैं। पब्लिक मैन हमारी बहुत, हमारा भी ख्याल रखते हैं, हम पब्लिक का पूरा ख्याल रखते हैं। दूसरा, हमारे उच्च अधिकारी हैं, वो टाइम टू टाइम हमारे जैसे पानी वानी की व्यवस्था है, और छाँव में जैसा 45 डिग्री टेम्परेचर से भी ज़्यादा होता है, तो हमारे अधिकारियों का भी यही कहना है कि ड्यूटी करनी है लेकिन अपना स्वयं का भी बचाव ऐसी धूप में रखना है। ऐसी जगह छाँव में आप बैठ सकते हैं कि जहाँ से पूरा चौराहा अपने को दिखता रहे प्रॉपर, और कहीं जाम नहीं हो, कहीं एक्सीडेंट नहीं हो और ट्रैफिक में व्यवधान नहीं हो। आप जनता को क्या निर्देश देना चाहेंगे कि वो मतलब इस तरीके से चले या फिर क्या? हम जनता को ये निर्देश देना चाह रहे हैं, हमने यहाँ माइक अलाउंस भी करते हैं कि स्टॉप लाइन की पालना करें, पैदल जो यात्री हैं वो चलते हुए ट्रैफिक के बीच में से ना निकलें, उससे एक्सीडेंट का खतरा ज़्यादा रहता है, सामने वाले का होता है और निकलने वाले के दोनों में वो खतरा बना रहता है। प्रॉपर स्टॉप लाइन की पालना करें, स्लिप लाइन को ब्लॉक नहीं करें और अपने लेन में खड़े रहें। ज़्यादा ट्रैफिक, जैसे कई बार कोई एक साइड से जैसे ज़्यादा ट्रैफिक आता है, हम उसको या तो मैनुअल करके निकालते हैं या ब्लिंक करके निकालते हैं, लेकिन हम ऐसी धूप में कि पब्लिक भी परेशान हो, हम ज़्यादा देर तक ट्रैफिक को खड़ा नहीं रहने देते हैं। मतलब मेरे माइंड में एक सवाल था कि अभी इधर से ही गाड़ियाँ जा रही है, अब एक एक ग्रीन लाइट तो इनको यहाँ पर दिखेगी, दूसरी ग्रीन लाइट उनको वहाँ दिख रही है, एक बार है ना, तो मेरा पूछने मतलब है जो सेकंड वाली जो दिख रही है ना, उस वो दिखाने से कहीं ना कहीं मिस, मुझे ऐसा लग रहा है कि मिसयूज हो जाता है। कैसे? अब जैसे मानो वहाँ रेड लाइट दिख रही है, ओवर साइड पर देखो है ना, और एक रेड लाइट इन्हें यहाँ दिख रही है, अगर हम आगे दिखाएंगे नहीं तो वो यहाँ से आगे बढ़ नहीं पाएंगे, वो उस लाइट के भरोसे आगे बढ़ जाते हैं कि हमें वहाँ पता चल जाएगा कि भाई ग्रीन हो गई। तो अगर हम आगे वाली रेड लाइट को बंद कर दें और ओनली पीछे वाली को चालू रखें तो वो आगे नहीं आएंगे ना कभी भी, ऐसा हो सकता है? हर चौराहे के ऊपर जी, हर चौराहे के ऊपर जो रेड लाइट, जो ये अपना सिग्नल जो मैनुअल जो चलता है, वो जैसे ग्रीन लाइट है, इस ट्रैफिक का जैसे ग्रीन हो गया, वो ग्रीन होने के बाद में डायरेक्ट रेड नहीं होता है, 4 सेकंड का बीच में येलो होता है। मैं सर ऐसे पूछना चाहता हूँ कि अगर ये जो दो लाइट होती है ना, तो दूसरी लाइट तो दोनों एक ही होती है, ये लाइट और वो सामने वाली लाइट सेम एक ही सेम है, जैसे ये रेड टाइम है। मेरा पूछने मतलब ये है सर कि जैसे वो रेड है, हाँ यहाँ पे भी रेड है, यहाँ पे भी रेड है, तो उस वाली रेड के भरोसे वो लोग ज्यादा आगे आ जाते हैं कि हमें यहाँ देखने को मिल जाएगा, इस लाइट का तो कोई मतलब है ही नहीं। नहीं, ये लाइट प्रॉपर, इस लाइट के पास भी स्टॉप लाइन और जेब्रा क्रॉसिंग है, तो ये इस पहले इस लाइट को, जैसे बाहरी छोटे वाहन होते हैं, बाहरी कोई वाहन है उस उनकी वजह से वो सामने वाली लाइट होती है, जैसे यहाँ इसकी रेड है, अब जैसे रेड बत्ती है, यहाँ स्टॉप लाइन है और जेब्रा क्रॉसिंग है, स्टॉप लाइन पे यहाँ वाहन रुक गए, अब जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर पैदल वाले आते हैं, जैसे स्टॉप हो गया, रेड हो गई, तो वो स्टॉप लाइन के ऊपर वाहन रुकेंगे और जेब्रा क्रॉसिंग से उधर का आदमी इधर आएगा, इधर से उधर जाएगा, वो क्रॉस कर सकता है। जैसे ही इसकी ग्रीन होगी उस टाइम में ये ग्रीन होगी, उसके साथ में वो भी ग्रीन होगी, वो तो वो आगे नहीं जाएगा ना, उस बत्ती को नहीं देख, पहले इस बत्ती को देखेगा वो। कई बार क्या होता है कि मेरा छोटा वाहन है, मेरे आगे कोई बड़ी गाड़ी चल रही है, तो प्रॉपर मेरे को वो तो वहाँ से वो नहीं देखेगी। अच्छा। और जो येलो होगी ना, तो वो
ये बत्ती दिखेगी उसको बराबर वो दिखेगी। मैं यही सोच रहा था कि दो लाइट है क्यों, उस लाइट के भरोसे आगे आ जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो जैसे कोई बड़ा वाहन होगा तो मेरे को दिखाई कहाँ से देगा, जैसे मैं मोटरसाइकिल के ऊपर हूँ तो अगर भारी वाहन जैसे बस चल रही है, लो फ्लोर है, मिनी बस है, तो उसमें मेरे को प्रॉपर वो लाइट वहाँ से क्रॉस करने बाद नहीं दिखेगा, तो मेरे को वो लाइट दिखेगी बाकायदा क्लियर, ये होता है। और अगर अपन येलो में निकल गए वहाँ से तो फिर आगे आएगा। उच्च अधिकारियों की पालना समय से, उच्च अधिकारी हमारे को निर्देशित करते रहते हैं ये करना है वो करना है, प्रॉपर हमारे कोई किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। और इस कड़ाके की धूप में उच्च अधिकारियों ने हमारे को समय टाइम टू टाइम ग्लूकोज तका हमारे को उपलब्ध कराया है, पानी की हमारी प्रॉपर व्यवस्था की जा रही है, छाछ लस्सी वगैरह हमारे को पूरी व्यवस्था प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग और वो है, और हम मेहनत करके हम लगन से काम करते हैं। जैसे कोई वर्ध आदमी हैं, लेडीज जेंट्स जो भी हम वर्ध हैं, सिटीजन सीनियर सिटीजन हैं, उनको प्रॉपर हम हाथ पकड़ के हम रोड क्रॉस स्वयं कराते हैं। जो गाँव के रहने वाले हैं वो इस अनभिज्ञ हैं, इस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं, उनको हम प्रॉपर हम खुद करवाते हैं।